असलम गाड़ी कहाँ है? बेगम साहब, छोटे साहब जो ना फातिमा बीबी को लेके गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं निकल रही हूँ थोड़ी देर में। कह रहे थे कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हद करते हो। भाभी जान, आप अभी तक गई नहीं? नहीं, उमेर गाड़ी लेके चला गया और पता नहीं फातिमा भी कहीं साथ में गई है उसके। हैरत है भाभी जान, उमेर के पास फातिमा को ले जाने का टाइम है लेकिन आपको ले जाने की फुर्सत नहीं है। खैर, एक बात कहूं भाभी जान, आप बुरा नहीं मानिएगा, ये जो कुछ इस घर में चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है। क्या चाहती है फातिमा, क्या मकसद है उसका? शायद वो आपको जताना चाहती है, जो फातिमा की हैसियत है ना उमेर की नजर में, वो किसी और की नहीं। आप तो माँ है, फिर भी तुम ठीक कह रही हो सुल्ताना। फातिमा ने तो मेरे बेटे को लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया। अरे तुम्हें यकीन नहीं आएगा, घर छोड़ने की धमकी दे रहा है वो। मतलब मैं सोच ही नहीं सकती कि मेरा बेटा मुझसे इतनी बदतमीजी करेगा। अब चारो मेहर की गलती नहीं है, सब उसे फातिमा सिखा रही है, वही उससे सब कुछ करवा रही है। आपको याद नहीं कैसे उसने आपसे बात की थी? शायद शायद उसको ऐसा लगता है कि उसका बच्चा आपकी वजह से उससे दूर है, इसीलिए आपका बेटा आपसे छीनना चाहती है। सुल्ताना, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ भाभी जान, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। देखिए भाभी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इससे पहले ही ये वक्त रेत की तरह आपके हाथों से फिसल जाए, भाभी संभाल लें सब कुछ। कुछ तो समझे आप। अरे सवेरा, किचन में क्या कर रही हो बेटा? वो मामा, मुताहिर को डिजर्ट्स बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कि आज मैं किचन में चली ही जाऊं। फाइनली कुछ रेसिपीज ट्राई कर रही थी। मामा, अगर मैं अपने हाथों से उसको डिजर्ट बना के दूंगी तो उसको कितना अच्छा लगेगा ना। तुम उसके लिए इतना कुछ कर रही हो लेकिन वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? मामा, कर तो रहा है वो, आपको नहीं नजर आ रहा, वो पूरी अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहा है। धनी, क्यों आप हमेशा उसके लिए एक नेगेटिव सोच रखती हैं? समझ में नहीं आता मुझे। चलिए अम्मी, मैं आपको ले चलूं। ख्याल आ गया तुम्हें अपनी माँ का? क्या हो गया वो? मैं
फातिमा को लेके गया था, उसे जरूरी काम था, वरना आप ही को लेके जा रहा था मैं। अच्छा खैर है ना, छोड़े, आइए मैं ले चलता हूँ आपको। अभी क्यों टाइम जाया कर रही है, चले ना। मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम्हारा वक्त जाया कर रही हूं ना, क्योंकि सारा कीमती वक्त तो अब फातिमा के लिए है। सही कहा है तुमने बिल्कुल। अम्मी आप मिसअंडरस्टैंड करिए, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी वजह से आपका टाइम जाया हुआ और मैं लेके चल रहा हूँ आपको। चलिए